हेलो ऑल, मैथ्स में जो अप्लाइड एंड स्टैंडर्ड मैथ्स में जो बच्चों को कंफ्यूजन आ रहा है उस पर मैंने वेबिनार किया था। आप मेरे इंस्टा पेज पे जाके देख सकते हैं। स्टिल स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड अबाउट, और फिर से मेरे सामने ये सेम क्वेरी आ रही है। वो इतना बड़ा लाइव देखने का अगर मन नहीं है तो मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ शेयर कर रही हूँ। पहली चीज क्या है कि अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और आप अकाउंटेंसी ले रहे हैं तो आपको अप्लाइड मैथ्स लेनी चाहिए। ठीक है जी, क्यों लेनी चाहिए? स्टैंडर्ड मैथ्स में आती है आपकी प्रोबेबिलिटी, जिसकी रिक्वायरमेंट कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चों को नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हो, आगे एमबीए करते हो, बीकॉम करते हो, बीकॉम ऑनर्स करते हो, उसमें आपको कहीं भी प्रोबेबिलिटी की जरूरत नहीं है, तो जबरदस्ती के एफर्ट्स क्यों डालने हैं? जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से हैं, उन्हें आगे इंजीनियरिंग करनी है या उन्हें आगे किसी और लाइन में जाना है, जिस भी चीज में जाना है, उनके लिए वो कंसिडरेबल चीज है। आपने पहले ही कॉमर्स ले ली है तो इट्स बेटर कि आप फोकस कर पाए अपने अदर सब्जेक्ट्स पे भी, क्योंकि आपको अकाउंटेंसी पे भी फोकस करना है। तो किसी के कहने पे, पीयर ग्रुप के कहने पे कि भैया स्टैंडर्ड मैथ्स लेनी है, प्लीज आई मस्ट सजेस्ट कि गो विद अप्लाइड मैथ्स इन केस ऑफ कॉमर्स। हाँ, स्टैंडर्ड मैथ्स साइंस वालों के लिए बेटर है। दूसरी चीज, जिन बच्चों ने बेसिक मैथ्स ली थी 10th में, उनके पास तो ऑप्शन भी सिर्फ अप्लाइड मैथ्स का है, तो कंफ्यूजन की कोई भी बात नहीं है। आप ये मत सोचिए कि स्टैंडर्ड इज द बेस्ट एंड अप्लाइड में सिर्फ एक दो चैप्टर का डिफरेंस है, और आगे जब आप सीयूटी के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो वहां कहीं नहीं ऐसा आ रहा कि आपने अप्लाइड लिया या स्टैंडर्ड लिया, कहीं पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इट्स बेटर टू टेक अप्लाइड मैथ्स व्हेन यू आर ऑप्टिंग कॉमर्स, एंड यू हैव टू गिव योर बेस्ट टाइम टू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, एंड डोंट वेस्ट योर एफर्ट्स इन द रॉन्ग डायरेक्शन। आई मस्ट से आपको कोई रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं जाना, जबरदस्ती कि आप एफर्ट्स डालेंगे स्टैंडर्ड मैथ्स के साथ और उसमें कुछ ऐसे चैप्टर्स करेंगे जिनकी आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सीबीएसई ने तो बहुत बढ़िया किया ना कि उन्होंने आपके पास मैथ्स में भी ऑप्शन दे दिया, पहले तो था ही नहीं है, पहले तो एक ही मैथ थे, जो साइंस वाले थे वो भी सेम पढ़ते थे, कॉमर्स वाले भी सेम पढ़ते थे। तो इसमें कोई कंफ्यूजन लेके चलने की जरूरत नहीं है, इस कंफ्यूजन को दूर कीजिए। पेरेंट्स के भी माइंड में आ रहा है, बच्चों के भी माइंड में आ रहा है, तो मुझे लगा ये वीडियो शेयर की जाए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको शेयर कीजिए अपने पेजेस पे भी, सो दैट लोग अपने इस डाउट को क्लियर कर पाए, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव तो यही रहता है कि बच्चा गलत डायरेक्शन में अपनी मेहनत ना करे, सही डायरेक्शन में काम करना है, जो एफर्ट्स डालने हैं कि आप एक फ्रूटफुल रिजल्ट ले पाएं। दूसरी चीज, एक अच्छा करियर बना सकें, आपका बिल्कुल भी टाइम गलत डायरेक्शन में वेस्ट ना हो। ऑल द बेस्ट।